हरे कृष्णा। भगवद गीता की ऑडियो नंबर 26 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद देव जी की जय। पिछली दो ऑडियो में हमने भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा है। इस श्लोक में हम चर्चा कर चुके हैं कि जब धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न पूछा कि मेरे और मेरे पांडु के पुत्रों जो यहां इकट्ठे हुए उन्होंने क्या किया, तो उसके क्या भाव थे, और कुरुक्षेत्र के पहले जो धर्म क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ उस शब्द को यूज करने के पीछे उनके क्या भाव थे। अब इस श्लोक के कुछ बाकी शब्दों पर अगर हम चर्चा करें तो श्लोक में एक शब्द आए हैं पहली लाइन में आगे चल के, समवेता युयुत्सव। इसका हिंदी में अर्थ है कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। तो इस बारे में ये टिप्पणी की जा सकती है कि युद्ध की इच्छा तो दुर्योधन की ही थी, युधिष्ठिर की कोई युद्ध की इच्छा नहीं थी। आप जानते हैं कि उसने तो हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, 5 गांव मांगे, फिर बाद में श्री कृष्ण भी अनेक दूतों के अलावा श्री कृष्ण स्वयं गए कि किसी तरह से उनको समझा सकें कि ये युद्ध ना हो, लेकिन वो लोग युद्ध पे उतारू थे। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब सत्य परामर्श विफल हो जाए तो युद्ध अनिवार्य होता है। ये हमारे जीवन में भी होता है, कई बार हम किसी को बहुत प्यार से बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जब वो नहीं समझता तो हमें कई बार सख्ती या जो भी कहें लड़ाई या डांटना मारना कुछ करना पड़ता है, कई बार सोल्यूशन निकलता नहीं ना आराम से। तो ये चीज है, तो वही हुआ। और एक बात ये भी शास्त्रों में वर्णित है कि महारानी कुंती जो थी वो द्रौपदी चीरहरण कांड से जो है नाराज थी, इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर को युद्ध की आज्ञा दे भी दी, नहीं तो शायद कुंती मना कर देती तो भी पांचों पांडव युद्ध ना करते। लेकिन अब क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को माता कुंती से युद्ध की आज्ञा मिल गई थी तो वो भी युद्ध की इच्छा में आ चुके थे, मतलब एक तरह से वो भी अब युद्ध की इच्छा रखते थे। और दुर्योधन तो हमेशा से इच्छा रखता ही था, इसलिए दोनों पार्टीज अब असेंबल हुई युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। इसके आगे अगली लाइन में पहला शब्द जो है धृतराष्ट्र ने जो यूज किया वो है मामका। मामका मतलब मेरे बच्चे, पांडवश्च और पांडवों के बच्चे। अब ये देखिए यहां पर है एक शब्द मैं यूज करूंगा, भेद बुद्धि। भेद, उसने अपने बच्चों में और पांडु के पुत्रों में भेद किया। वैसे तो जब भाई मर चुका था तो वो बच्चे भी उसी के थे, दोनों को ही अपना समझना चाहिए था, लेकिन उसको राज्य की इतनी भूख थी कि वो पांडु के पुत्रों से द्वेष करता था और अपने बच्चों के प्रति रागी था। देखिए अपने बच्चों से प्रेम होना, स्नेह होना ये नेचुरल है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट राग नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। अब जैसे मान लेते मेरा बच्चा है, हर कोई चाहेगा कि भाई मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, इसमें कोई बुराई नहीं है सोचना, लेकिन मेरा बच्चा काबिल नहीं है तब भी वही फर्स्ट आए, इसके लिए चाहे मुझे टीचर को रिश्वत देनी आ जाए, चाहे किसी दूसरे बच्चे को एग्जाम वाले दिन उसकी पिटाई करके उसको रोकना आ जाए, कुछ भी करूंगा मैं, बच्चा फर्स्ट मेरा ही आना चाहिए, ये भाव गलत है। ऐसी द्वेष की भावना भी नहीं होनी चाहिए। मेरा बच्चा आगे आ जाए ये सोचना पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे का बच्चा आगे आ जाए, अब आ गया मान लेते हैं वो ज्यादा काबिल था, जीत गया, फर्स्ट आ गया, तो मैं उससे नफरत करूं, द्वेष करूं, दुखी रहूं, ये गलत है। यही चीज थी धृतराष्ट्र में कि पांडव उससे ज्यादा काबिल थे, धार्मिक थे, तो वो उनसे द्वेष करता था और अपने बच्चों के प्रति रागी था, वो चाहता था कि भाई राजा वही बने, किसी भी तरह बने। तो ये जो भेद बुद्धि थी इसी ने पूरे जो है ना कौरव कुल का संहार करवा दिया। तो हमें भी इस तरह की भेद बुद्धि से बचना चाहिए, हमें अपने बच्चों से अपने परिवार के लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो आगे जाएं, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी कीमत पर तुम्हें ही आगे आना है, एक प्रेशर उनके दिमाग पर क्रिएट ना करें हम, है ना। और दूसरा अगर उससे ज्यादा काबिल है और वो आगे जीत गया तो उस जीत को भी अप्रिशिएट करें, उसको भी सेलिब्रेट करें, हमेशा ये ना सोचे कि ओहो अगर हम हार गए या हम दूसरे या तीसरी रैंक पर रह गए तो हम तो बस विफल हो गए और दूसरा आगे निकल गया तो बस पता नहीं जैसे जीवन में क्या निकल गया। तो ये कुरुक्षेत्र और सॉरी धृतराष्ट्र वाली बुद्धि से हम बचें। जब हम भगवत गीता पढ़ ही रहे हैं तो हम अपने जीवन में ये छोटी छोटी चीजें लाने का प्रयास करेंगे, और मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि भगवत गीता के हर श्लोक से हम क्या अपने जीवन में ला सकते हैं चेंज, उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं। वैसे मैं इतना काबिल नहीं हो सकता, कुछ श्लोकों में मैं ना सजेस्ट कर पाऊं, बट आई विल ट्राई। एक क्वालिटी मैं धृतराष्ट्र की पॉजिटिवली लूंगा, काफी बुराई कर चुका हूं एक तरह से इनडायरेक्टली उसकी। मैं धृतराष्ट्र में एक अच्छी बात थी और वो क्या कि उसने प्रश्न किया। अगर वो प्रश्न करता तो शायद धृतराष्ट्र, आई एम सॉरी संजय, उसको भगवद गीता ना सुनाते।
भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी ये बात आती है कि हमें गुरु के पास जाकर विनीत भाव से उनसे प्रश्न करना चाहिए। तो यहां पर भी धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, और प्रश्न किया तो उसको गीता सुनने को मिली। तो हमें भी धृतराष्ट्र से सीखना चाहिए कि हमारे अंदर सुनने की, सीखने की, समझने की अभिलाषा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और इस इच्छा से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है ना। तो ये चीजें हमें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवद गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभी हमने पहले अध्याय के पहले श्लोक पर ही चर्चा की है, अब आगे हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, प्रेरणा दे, तो हम भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों पर एक एक करके धीमे धीमे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। और अंत में आपसे एक प्रार्थना कि आप हर श्लोक को सुनने के बाद, हर ऑडियो को सुनने के बाद हरे कृष्ण का महामंत्र जरूर करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।